सो हेलो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग। आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल टोटल मिनट पर एक बार। और आज हम खेलने वाले हैं फिर से पोकेमोन एल्फ फैंटेसी एडवेंचर। तो पिछली वीडियो में आपको याद ही होगा भाई, हमने एलन के साथ फाइट की थी, जिसमें कि हमें बताया जा रहा था फ्यूचर में कि उसके साथ हमारी फ़ाइट होगी लेवल 99 पे जब हम आ जाएंगे। सो अपन लोग स्टार्ट करने वाले चैप्टर 1 पैलेट टाउन, वो हो गया अपने स्टार्ट। सो अपनी पहली फाइट होने वाली है ह्यूज के साथ। सो टोटल मिंटी वर्सेस ह्यूज, यानी एश, जो अपना एश है, यानी टोटल मिंटी वर्सेस ह्यूज होगी, ह्यूज है। सो इनके बीच में अभी बातें चल रही है कुछ। सो फाइट के लिए वो मान गया है, हम कह रहे हैं अपन लोग ही जीतेंगे, हमें पता है, क्योंकि हमारे पोकेमॉन्स हो चुके हैं पावरफुल। सो अपने पास है चार्मेंडर, पिकाचू एंड दी हीज नेम आई डोंट नो, ही इज़ अ फीमेल और अ मेल डोंट नो, मुझे इसका नाम याद नहीं है। सो अपने चार्मेंडर ने और पिकाचू ने दो को ख़त्म कर दिया, और भाई इसने भी अपना पंच मारकर इनको कर दिया है फिनिश। और अब अपना है पिकाचू, जिसने थंडर मारा है इसको, और फ्लेम थ्रोवर की बारी है अब, नहीं फ्लेम थ्रोवर था या क्या था, अब स्पिन बाउंसिंग। सो भाई अपना आ चुका है ये, और इसने दिया इसको स्पिन। गॉड खतरनाक भाई, ये कैसा पोकेमोन है रोतलू सा भाई, तीनों पे हमला किया है इसने, हेल्थ ले गया। अब ठंडा इन्वेशन की बारी, आए हाय पिका चुका भाई। पहले तो इसने अपनी पावर बढ़ाई, और फिर अब मारा इसने क्विक अटैक, और क्विक अटैक के बाद भाई हवा में उछाल के दे दिया उसे ठंडर। ओ आए हाय भाई, 840 का डैमेज दिया उसको। मुझे पता है तू ऐसी बकेगा भाई, अब कह रहा है कि मैं अगली बार जीतूंगा, इस बार तो नहीं। सो मैं जा रहा हूँ, इस बार तो, अगली बार तो मैं देख लेंगे, तेरी औकात भी नहीं अपने सामने टिकने की। अपन लोग है इतने पावरफुल, तो जो तुम पोकेडेक्स क्या कह रहे हैं देखते, पहले इसकी बातें मान लेते। स्टार्ट थ्रू अ ब्रेक थ्रू, ओके पोकेमोन के पास गए हम, चार्मेंडर या ब्रेक थ्रू मारा अपना, और अब आई थिंक इवॉल्व होने वाला है अपना पोकेमोन। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद आवर एडवेंचर। यार मुझे जब है भाई, जब अपना चार्मेंडर चार्मिलियन में बदलेगा, और चार्मिलियन बदलेगा अपना उसमें क्या कहते हैं, चार्मिलियन बदलेगा अपने किस में भला, चार्लीज़ार्ड में भाई, वो बहुत ख़तरनाक है। अभी तो बच्चे है ये सारे के तीनों बच्चे है। वो पीका से पिकाचू बन चुका है, फिर पिकाचू से बनेगा राइसोल आई थिंक, मुझे नाम याद नहीं है उस वाले का भाई। यू ओवर थिंकिंग लू टास्क आई थॉट, ओके भाई कुछ पोकेमोन फाइंड का मिले नियर बाय। सो ये तीनों ही फायर टाइप के सामने इफेक्टिव है, फॉरेस्ट टाइप, और ये 1x बढ़ा दिया है इसने। अब थंडर बोल्ट की बारी, दोनों ही रेसिस्टेंट है भाई, पर फिर भी अपन लोग पावरफुल है तो इसको डैमेज दे दिया। रॉक टाइप, ओके ये रॉक टाइप है, इसने भाई तूफान मारा। अब हमारे विंड मिल की बारी, इसे दे दिया हमने, ख़त्म खेल इसका भाई। अब है फ्लेम थ्रोवर आए हाय 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 भाई, या गाइस ये इसका तो बहुत छोटा फ्लेम थ्रोवर है, बच्चों की तरह मारता है। अब ठंडा इन्वेंशन की भाई, मुझे ये पसंद है इसका थंडर इन्वेंशन, जिस तरीके से ये मारता है ना, आई लाइक इट, रियली आई लाइक इट भाई। पहले उसे क्विक अटैक देता है, फिर हवा में उछाल के, फिर उसमें एक हवा में शॉट मारता है, फिर उसके बाद मारता है जब वो धरती में गिर जाता है थंडर बोल्ट, यानी भाई उसे सांस भी नहीं लेने देता ये। और इसने मारा अपने ये पहाड़ रखे, और इसने दी इसे किक पिकाचू को। फ्लेम विंड मिल मारने वाला है अपना ये भाई साहब, ये है वेल डन लूटो, ऑफ कोर्स आई विल बिकम, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स रॉन्ग, हो हो ओ हो भाई, लेजेंडरी पोकेमोन रोटोम कह रहा है कि भाई जो भी हो को देख लेता है उसको ब्लेसिंग मिलती है जीतने की, उसके जीवन में सफल होने की, ये बात ओके। तो अपन लोग होंगे वैसे भी, तो गेम में बताया जा रहा है कि भाई हम जबरदस्ती हमें ये पास करवाएंगे, यानी हम जबरदस्ती ही पोकेमोन बनेंगे, क्योंकि भाई पोकेमोन मास्टर जर्नीज में यही होता है, हम आखिरी में वो बन जाते हैं पोकेमोन मास्टर्स।
सो अपना अगला कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर गेटिंग, ओके हटाओ इसे, पोकेमोन ये शेयर्ड है, यहाँ पे डाला अपना नया पोकेमोन आ चुका है ऑक्यूपाई, यहाँ पे क्लिक किया लेवल अप, ओके एक और बार लेवल अप, आई वांट टू लेवल अप, अगर मेरे पास ये पानी की बोतलें आ जाती है ना तो मैं अपने चार्मेंडर को वो लेवल अप करूँगा, ये लेवल 3 का है जहाँ तक है। सो अभी तो इसका स्किल इम्प्रूव करते हैं, फायर पंच इसका इम्प्रूव किया, एक और बार करते हैं, लेवल 3 का इसका फायर पंच हो चुका है, ओके स्टेज अपना वही है अगला, दी हिंगर टेप टू हेयर पे, ओके नेक्स्ट फाइट, अपन लोग ने अपना एक और पोकेमोन ले लिया, यानी हम 6 पोकेमोन ले सकते हैं एक साथ फाइट के लिए। अभी पोकेमोन बढ़ने दो, पोकेमोन जब बढ़ते रहेंगे ना अपने पास, सो अपन लोग जब पावरफुल, जो भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होंगे जो, उनको अपने 6 पोकेमोन मेन बनाएंगे और फिर फाइट करेंगे सब के साथ, और उनको ही अपग्रेड करते चलेंगे हम लोग, और एक यहाँ पर बॉस फाइट भी होगी, विलन फाइट। सो पहले इसे ख़त्म करते हैं, लो इफेक्टिव, आई नो रेसिस्टेंट था तो लो इफेक्टिव हो गया, ये इफेक्टिव है बोल्ट, ठंडा बोल्ट के सामने, इलेक्ट्रिक टाइप के साइड में सामने, और ये है अपना वाटर टाइप, ये ये तो एक ही शॉट में ख़त्म कर दे भाई, घूम के दिया है उसे अपना चक्रा, ये आई थी, ये तीनों ही इफेक्टिव है, आइस टाइप है ना, सो ये फायर टाइप के सामने इफेक्टिव होंगे। ये पीछे वाला पावरफुल लगा है, तीनों को अपने साथ लेके आए, ये अभी ओह लोटस भाई, लोटस कुछ ओ हेल्थ हेल्थ दिया भाई इसने, फ्यूचर पंच मारेगा भाई इसे, ये ओह डेंजर भाई, अबे यार इसने यार पिकाचू को वो बनाया, हालत ख़राब कर दी इसने भाई पिकाचू की, एक पॉइंट पे रह रहा है, देखते हैं अपन लोग चार को चार मिल के इसे ख़त्म कर पाएंगे या नहीं, ये समझ लीजिए बॉस फाइट हो रही है अभी फ़िलहाल हमारी। भाई इसे देगा पहले क्विक अटैक, ये दिया इसे क्विक अटैक हवा में शॉट दिए इसे, और अब मारेगा इसे थंडर बोल्ट, 818 का दिया भाई, बस इसकी बारी अब, लोटस टेस्कल जो भी है भाई, ये एक्सट्रीमली इफेक्टिव, आय हाय खतर टास्क, व्हाट अ जॉक, आई विल नॉट लूज द पोकेमोन बैटल, फाइन डमी बेकेना सी यू, बेकेना सी यू, ओके बाद में मिलते हैं। तो लेवल 5 हो चुका है अपना, ओके नाउ बैटल विद मेन स्टेज पे चलते हैं, इवोल्यूशन इज अ फिनोमिना, इवोल्यूशन इज अ फिनोमिना, वना वना ना पता नहीं क्या पकड़ा है, अपन लोग इवॉल्व करते हैं ना डायरेक्ट, ओ हो 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 ओ भाई 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 भाई, ये हुआ अपना चार्मेंडर चार्मिलियन में कन्वर्ट, अब आएगा ना मजा भाई, फिर ये धीरे धीरे जाकर जब इसका लेवल अप होगा भाई, ये चार्मेंडर यानी भाई 40,000 में कन्वर्ट हो जाएगा जब ये 32 लेवल पे आ जाएगा, यानी जब 32 लेवल पे आ जाएगा जब अपना होगा चार मिलियन 40,000 में, और जब हो जाएंगे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, और फिर हमें ले जाने इसे लेवल 100 पर, यानी अपने पोकेमोन्स को हमें लेवल 100 पर ले जाना होगा भाई, ये इसको ख़त्म किया एक ही शॉट में, ये 4 पोकेमोन है, तो आई थिंक अगर हम 4v4 हो जाए यहाँ पे 4v4, ये अबे ये क्या था भाई पास में, ये चुम्मी दे के गया था क्या, फुल्ली डैमेज दिया है गाइस इसे, ओ ग्रेनिंजा, इसको तो मौका भी नहीं देंगे हम, देखते हैं अपना ये क्या करता है भाई, आई थिंक ग्रेनिंजा कैडा तोड़ेगा अपन लोग को, क्योंकि भाई एलन के साथ देखा था भाई इसका कितना खतरनाक था, इसने मारा है अपना स्पिन बाउंसिंग, यार इसका हम मूड भी नहीं फाड़ पाए अभी तक, ओहो भाई ये मारेगा अपने स्टार शॉट भाई, इसने पावर बढ़ाई पहले अपनी ग्रेनिंजा ने, अबे यार स्टार मारा इसने क्रिटिकल भाई, चार्मेंडर चार्मिलियन की हालत ख़राब हो गई है यहाँ पे, चार्मिलियन ने दिया अपना फ्लेम थ्रोवर, हाय हाय
एक ही बार में खत्म, ले हमला करेगा तू भाई। वो चीख रहा है, चीख रहा है वो मेन स्टेज। सो स्टार लेवल स्टार्ट्स करने के लिए पावर ऑफ द पोकेमॉन्स एंड एडिशनल छोड़ो। स्किल्स बढ़ाते पोकेमॉन नीड। हाँ हाँ, यहाँ पे ये चार्मेंडर जिसकी सीपी बहुत कम है। पावर बढ़ गई है, 871 पावर हो चुकी है अपनी इसकी। अपन लोगों को अब इसकी स्किल बढ़ानी है, या स्किल बढ़ाते हैं इनकी सबकी। इसकी स्किल बढ़ाई, इग्निट इसका इंक्रीज किया, फ्लेम टेल इसकी इंक्रीज की। ओके, अब अपने पिकाचू की थंडर बोल्ट हो गया इसका लेवल 3। इलेक्ट्रो बॉल, थंडर इन्वेंशन, क्यूट यार। इसके पास वो नहीं है, रॉक थ्रोवर। ओके पिकाचू, इसे कहते हैं ब्रेक थ्रू, इसके इंक्रीज हो चुका है ये भी पिकाचू अपना। ये गॉडियूड का भी रॉक थ्रो, फ्रेशर पंच, स्पिन बॉक्सिंग, रॉक स्लाइड। ओके सो हमने सारे इसके इंक्रीज कर दिए है टिप। ओके हमें मिल चुके हैं, यहाँ पर खरीद लिया हमने। पहले इसकी पावर को इंक्रीज करते, फिर कुछ बारे में सोचेंगे। ये अपना लॉटेड को भी इंक्रीज करते, इसका लोटस टिकल, लोटस ग्रो, वाटर प्लांट, एक्वा कॉलम, लेवल 3। ओके अभी और अपग्रेड करना है हमको इसे। अब मैं फिलहाल तो भाई अपने दो पोकेमॉन्स को अपग्रेड करूँगा सबसे ज़्यादा। एक तो चार्मेलियन एंड दी थर्ड वन इज पिकाचू, क्योंकि भाई यही दो होते हैं मेन पोकेमॉन है, सबसे मेन पिकाचू जो इसे जिताता है भाई। अब पिकाचू भी इसे गाली देता होगा भाई, कुत्ते बहु सॉरी फ्रेंडली टॉक, नॉट यूजिंग एनी अब्यूजिंग लैंग्वेज, ओनली फ्रेंडली टॉक। दिमाग घूम गया भाई, देता होगा 100% इसे गाली। इस पर तो कुछ उखड़ता नहीं है, मैं इसे जिताया पोकेमॉन मास्टर जनवीर कालोस लीक सब कुछ भाई पिकाचू के ही वजह से जीतता है। जहाँ भी देखो पिकाचू। यार पिकाचू इतना पावरफुल नहीं है, फिर भी उसे इतना पावरफुल दिखाया गया है ऐश के पिकाचू को भाई, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। और है भी वो, बना है भाई, था नहीं, बना है वो प्रैक्टिस भाई, बहुत चीज़ें सीख गया था वो। इलेक्ट्रोवेब, इलेक्ट्रो बॉल, और भाई पता नहीं कैसे कैसे मूव्स उसने सीखे थे। और मुझे सबसे बढ़िया लगा इसका भाई ड्रैगनाइट, यानी भाई ये गाइस वहाँ पे ड्रैगनाइट के आइलैंड पे गए, वहाँ से इन्होंने उसको बचाया, फिर ड्रैगनाइट को ये लेके आया। समझो कितना रेयर पोकेमॉन है ड्रैगनाइट भाई। वो बस वो एक ही आइलैंड पे मिलते, उससे अलग वो कहीं नहीं मिलते पूरे वर्ल्ड में, यानी उस प्लेनेट पे जहाँ पे पोकेमॉन से ये जो भी है उसके अलावा कहीं भी नहीं मिलते गाइस। वो जितने भी पोकेमॉन से उन सब में ड्रैगनाइट बस वहाँ पे मिलते, और वहाँ पे ये गए ऐश और गो, और जब लेके आए भाई वो, और भाई इसने पता नहीं गो ने कौन कौन से पोकेमॉन साइकेन पकड़ रखा है भाई, उसने इटर्नस तक को पकड़ रखा है गो ने, इटर्नस जो कि बहुत पावरफुल है। हाँ तो वीडियो हो चुकी है एंड, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो को, और चैप्टर 2 करेंगे अगली वीडियो में स्टार्ट। बाय बाय।